वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज सुनील कुमार, योर आईटी टीचर। टुडे वी विल डू फोर्थ क्लास आईटी चैप्टर फर्स्ट, दैट इज कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। इन दिस चैप्टर आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी यूनिट्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। लेट अस डिस्कस अबाउट द कंप्यूटर मेमोरी। एवरी डे यू कम अक्रॉस सो मैनी थिंग्स, हर रोज हम कुछ ना कुछ नई चीज़ें करते रहते हैं। डू सो मैनी थिंग्स इन स्कूल, स्कूल में भी काफ़ी काम करते हैं, एंड एट होम और घर पे भी काफ़ी कार्य करते हैं। ड्यूरिंग योर एग्जाम, आपके एग्जाम के दिनों में यू हैव टू लर्न ए लॉट ऑफ मैनी थिंग्स, आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है, एंड रिमेंबर देम, और उनको काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके भी रखनी पड़ती है आपको अपने माइंड में। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ यू रिमेंबर सो मैनी थिंग्स, क्या आपने कभी सोचा है कि आप इतनी सारी चीज़ें कैसे याद रख सकते हो? दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है बिकॉज वट एवर यू डू, क्या आप करते हो और लर्न, क्या आप याद करते हो, गेट स्टोर्ड इन योर ब्रेन मेमरी, आप अपने दिमाग की मेमरी के अंदर जो क्षमता है उसको स्टोर करने की उसके अंदर कैसे रख पाते हो। मेमरी इज द एबिलिटी, मेमरी एक योग्यता है, मेमरी के अंदर एक ऐसी एबिलिटी है टू टेक द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को रख लेती है, स्टोर इट और स्टोर करवा रहती है, एंड रिकॉल इट एट ए लेटर टाइम, और बाद के समय में जब भी हमें किसी उस चीज़ की जो हमने हमारी ब्रेन मेमोरी में स्टोर करवाया है उसकी जरूरत पड़ती है तो हम उसको रिकॉल कर सकते हैं। ए कंप्यूटर मेमोरी इज जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन, एक कंप्यूटर मेमोरी भी एक इंसान के दिमाग की तरह ही होती है। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा, वो डाटा स्टोर करने के काम आती है, एंड इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन भी स्टोर करने के काम आती है। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस, कंप्यूटर मेमोरी भी एक स्टोरेज स्पेस है इन कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर, वेयर डाटा इज टू बी प्रोसेस, जहाँ पे डाटा को प्रोसेस किया जाता है, एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, जहाँ पे इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है प्रोसेसिंग करने के लिए, आर स्टोर्ड फॉर लॉन्ग अंटिल इट इज डिलीटेड, जब तक इसको डिलीट ना कर दिया जाए तब तक कंप्यूटर में इसको स्टोर करवा के रखा जा सकता है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। थिंक एंड इंक, सम पॉइंट्स आर गिवन हियर, टेस्ट योर मेमोरी, आप अपनी मेमोरी को चेक कीजिए, लुक एट द पिक्चर्स, नीचे दी गई पिक्चर्स को देखिए, एंड ट्राई टू रिकॉल देयर नेम, उनके नेम लिखने की कोशिश कीजिए, राइट द नेम ऑफ द डिवाइसेस, नीचे दिए गए पिक्चर में से डिवाइसेस के नेम लिखिए इन द स्पेस प्रोवाइड, नीचे दिया गया जो स्पेस है उसके अंदर उन पिक्चर का नेम लिख लीजिए। यहाँ पे हियर वी कैन सी देयर आर फोर पिक्चर्स हियर, नंबर वन पिक्चर इज, इसको मैं आइडेंटिफाई करके बेटा आपको बता देता हूँ, बाकी की पिक्चर्स को आप आइडेंटिफाई करके यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस है उस एम्प्टी स्पेस में उसका नेम लिखेंगे। सबसे पहली पिक्चर जो है इसको मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है, दिस इज ए कीबोर्ड, ये क्या है, एक कीबोर्ड है, तो यहाँ पे हम इसका नेम राइट कर देंगे, दिस इज ए कीबोर्ड। इसी प्रकार बाकी की पिक्चर को आप आइडेंटिफाई करके इसके दिए गए खाली स्पेस पे आपको इसका नेम राइट करना है। ऑन द नेक्स्ट पेज मेमोरी यूनिट, कि मेमोरी यूनिट क्या होती है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, एज ऑल वी आर नो कि कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है, अनलाइक अस इट डजंट अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, ये इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड फिर भी नहीं करता है, इट ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। बाइनरी जस्ट मीन्स समथिंग दैट हैज टू स्टेट्स, बाइनरी का मतलब है जिसके पास केवल टू स्टेट्स होते हैं, दैट इज ऑन एंड ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ टू कैरेक्टर, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर सिर्फ दो करेक्टर होते हैं, नंबर वन इज जीरो, सेकेंड वन इज वन, एक का मतलब ऑन होता है, एक का मतलब ऑफ होता है। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली टू स्टेट, सिर्फ दो स्टेट को ही कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, दैट इज ऑन स्टेट रिप्रेजेंटेड बाई ए वन एंड ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेड बाई जीरो। इनफैक्ट बाइनरी इज ओनली वे कंप्यूटर कैन रियली अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन, सिर्फ एक बाइनरी लैंग्वेज का एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर सकता है, अदरवाइज कंप्यूटर हमारी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म को कभी भी नहीं समझ सकता। सो एवरीथिंग दे डू इज ट्रांसलेटेड इन टू दिस लैंग्वेज, जो भी हम करते हैं वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में करते हैं, बट कंप्यूटर को वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म समझ नहीं आती, इसलिए कंप्यूटर को उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके
बाइनरी लैंग्वेज में दिया जाता है. कंप्यूटर यूज नंबर्स फॉर जस्ट अबाउट एवरीथिंग इवन व्हेन इट डजंट सीम टू बी ए नंबर इट इज. व्हेन यू टाइप ए लेटर ऑन ए कंप्यूटर इट एक्चुअली हैज ए न्यूमेरिकल वैल्यू. कंप्यूटर को हम नंबर्स भी प्रोवाइड करते हैं, अल्फाबेट भी प्रोवाइड करते हैं, बट एक्चुअल में जो कीबोर्ड या इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम देते हैं वो एक लेटर या न्यूमेरिकल वैल्यू उसको देते हैं, बट कंप्यूटर डायरेक्टली उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है और उसको बाइनरी लैंग्वेज में हमें चेंज करना पड़ता है. इनफैक्ट 0.2 सिंबल्स यूज टू रिप्रेजेंट ऑन एंड ऑफ. दो सिंबल्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं ऑन और ऑफ को, जो बाइनरी लैंग्वेज के टू स्टेट्स होते हैं, दैट इज 0 एंड 1 और 1 और 0 आर नोन एज बिट्स, जिनको क्या कहा जाता है, बिट्स कहा जाता है. और इनका एब्रिविएशन क्या है, बिट्स का मतलब बीआई का मतलब बाइनरी और टीएस का मतलब डिजिट्स. बिट्स की फुल फॉर्म क्या रहेगी यहाँ पे, बाइनरी डिजिट्स. मेमोरी यूनिट इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द स्टोरेज यूनिट. मेमोरी यूनिट एक अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोरेज यूनिट के अंदर स्टोर कर सकती है. द कंप्यूटर मेमोरी इज एक्सप्रेस्ड इन बिट्स, और किसमें रिप्रेजेंट होती है, ये बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट होती है. बिट इज ए सिंगल डिजिट, बिट एक सिंगल डिजिट को कहा जाता है. कैन आइदर बी 0 और 1, वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है. दीज आर टू स्टेट्स ऑफ बाइनरी लैंग्वेज. इट इज द बेसिक यूनिट यूज इन कंप्यूटर डेटा स्टोरेज. ये एक बेसिक यूनिट है जो कंप्यूटर डेटा सीरीज के अंदर यूज होती है. कंप्यूटर यूज 3 लिटल बिट्स, कंप्यूटर 3 छोटे छोटे बिट्स का इस्तेमाल करता है विच आर कंपोज्ड ऑफ 1 एंड 0, जो कि 1 और 0 को मिलाकर बनते हैं. टू डू थिंग्स एंड टॉक टू अदर कंप्यूटर्स, और वो कार्य करता है और किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेट करता है. दिस टू नंबर सिस्टम इज कॉल्ड द बाइनरी नंबर सिस्टम. ये दो नंबर सिस्टम जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाते हैं. सिंस इट हैज ओनली 2 नंबर्स इन इट, इसके अंदर क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स होते हैं. नीचे एक टेबल दी गई है जिसमें कंप्यूटर स्टोरेज यूनिट के बारे में डिस्कस किया गया है. दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो यूनिट, सबसे छोटी यूनिट जो कंप्यूटर मेमोरी की होती है वो 1 निबल होती है, और उसकी स्टोरेज होती है बेटा 4 बिट्स. आफ्टर दैट आता है 1 बाइट. 1 बाइट की एब्रीविएशन होती है बी, इसकी स्टोरेज होती है 8 बिट्स. आफ्टर दैट 1 किलोबाइट, KB इसकी एब्रीविएशन होती है, इसके अंदर 1024 बाइट्स होते हैं. आफ्टर दैट 1 MB यानी 1 मेगाबाइट आता है, एब्रीविएशन इसकी MB होती है. और 1024 किलोबाइट्स इसकी स्टोरेज होती है. आफ्टर दैट 1 गीगाबाइट, GB इसकी एब्रीविएशन होती है, 1024 मेगाबाइट इसके अंदर स्टोरेज होती है. आफ्टर दैट आता है 1 टेराबाइट, TB इसकी एब्रीविएशन होती है, 1024 गीगाबाइट्स इसकी स्टोरेज होती है. आफ्टर दैट आता है बेटा 1 पेटाबाइट, PB इसकी एब्रीविएशन रहेगी, 1024 टेराबाइट इसकी स्टोरेज रहेगी. इसके बाद में आता है 1 एक्साबाइट, EB इसकी एब्रीविएशन रहेगी, 1024 पेटाबाइट इसकी स्टोरेज रहेगी. आफ्टर दैट 1 जेटाबाइट, ZB इसकी एब्रीविएशन रहेगी, 1024 एक्साबाइट इसकी स्टोरेज रहेगी. आफ्टर जेटाबाइट आता है 1 योटाबाइट, YB इज द एब्रीविएशन ऑफ योटाबाइट, 1024 जेटाबाइट इज द स्टोरेज ऑफ 1 योटाबाइट. फिर आता है 1 बोरेंटोबाइट, BB इसकी स्टोरेज जो रहेगी 1024 योटाबाइट रहेगी. एंड लास्ट एंड फाइनल इन दिस टेबल इज 1 GOP बाइट, GPB इसकी एब्रीविएशन रहेगी, और 1024 बोरेंटोबाइट इसकी स्टोरेज रहेगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आधा चैप्टर जो हमारा बच गया है वो चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा. हाफ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है. सो मैं आपके साथ में एक PDF फाइल शेयर करूंगा, उस PDF फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा. वो आपके 4th क्लास के Chapter 1 की PDF फाइल रहेगी. वो कंप्लीट PDF फाइल आपको रीड करनी है, और आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट ऑल द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर एंड सेंड टू योर होमवर्क टू योर टीचर. ओके, थैंक यू सो मच.